much. Hare Krishna. आज ये बड़ा ही पवित्र दामोदर महीने का एक दिन है. तो कुछ दिन पहले, दो दिन पहले मैंने दामोदर अष्टकम पे प्रवचन लिया था. उसमें हम पहले जो चार श्लोक थे उस पे चर्चा की थी. तो आज अगले चार श्लोकों पे चर्चा करूँगा. फिर भी अगर जो उस दिन नहीं थे, फिर भी उनके लिए भी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, स्वतंत्र क्लास है, तो आप समझ सकते हैं. हर एक हम सब जीते हैं तो हम सब एक इंटरसेक्शन, एक मिलाव में जीते हैं. किसके? एक है हमारी परंपरा, हमारी ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति, और दूसरा है हमारा आजकल का समाज. तो इन दोनों के, जैसे रोड का इंटरसेक्शन होता है, एक रोड इधर से आता है, एक रोड इधर से आता है, तो दोनों का एक जगह इंटरसेक्शन होता है, मिलन होता है. उसी तरह से हम सब जब जीते हैं तो हम एक संस्कृति से संबंधित है, वहाँ से हम आ रहे हैं, पर आज के जीवन का प्रवाह कुछ अलग है. तो इन दोनों के बीच में हम जी रहे हैं. तो अभी जो भक्ति के जो विधि है, ये वास्तव में दोनों को साथ में लेती है. व्यक्ति में एक, भक्ति में एक परंपरा, एक जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, वह सब आते हैं, पर उसके साथ साथ भक्ति में आजकल की दुनिया होती है, उसमें हम भक्ति कर रहे हैं. तो इसीलिए हम तंत्र ज्ञान भी इस्तेमाल करते हैं, माइक्स इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कार इस्तेमाल करते हैं. और इस तरह से अभी हम जब इस तरह, तो देर इज़ द ट्रेडिशनल, देर इज़ द कंटेम्प्ररी एंड देर इज़ द ट्रांसेंडेंटल. तो ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक है, कंटेम्प्ररी मतलब आजकल का है, और जो ट्रांसेंडेंटल है वो सब समय के पाबंदियों से परे है. सब समय, वो भूत भविष्य वर्तमान सबके परे है. वो दिव्य या वो दिव्य है. तो भगवान जो है, भगवान ये केवल प्राचीन नहीं है, आधुनिक नहीं है, भगवान दिव्य है. और भगवान का दिव्य तो जो समझना है, तो हम उसके लिए एक पारंपरिक दृष्टि समझ सकते हैं, आधुनिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं. जो दामोदर लीला जो है, यह हजारों सालों के लिए भक्ति संस्कृति में यह इसको भक्त याद करते हैं, इसका कीर्तन करते हैं, क्योंकि ये ऐसी लीला है जिसमें भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंधे जाते हैं. नाम में ही आता है वो दामोदर, इनका जो रस्सी से बांधे गए. तो जो ये दामोदर अष्टकम है, सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, उसके आठ अष्टक कहते हैं उसको, तो उसके आठ श्लोक है. पहले दो श्लोकों में इस जो लीला का वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भागे और कृष्ण को बांधा गया, और फिर उसके बाद में बाकी सब श्लोकों में इसका विश्लेषण आता है. तो आपके पास अगर फोन में या शीट्स है, यहाँ पे आपको शीट्स है, तो फिर आप दे सकते हैं. इनके पास है तो हम लिख सकते हैं. तो अभी पहले दो श्लोकों में लीला का वर्णन आता है, तीसरे श्लोक में फिर वर्णन आता है कि ये कितना अद्भुत लीला है, कि जो भगवान सबके नियंत्रक है वो यहाँ पे बंध गए हैं. और फिर चौथे श्लोक में वर्णन आता है कि अभी जब कुछ हम बहुत आकर्षक चीज़ देखते हैं, तो फिर साधारणतया उसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है. जब भी हम, मान लीजिए कोई शायद कभी ताजमहल गया, देखने नहीं गया, तो ताजमहल के बारे में अगर कुछ देखते हैं, कोई अभी हम कुछ साल पर, पिछले साल हम पाश्चात्य लोगों को, अमेरिकन लोगों को भारत में लेके गए थे, तो फिर वो उनको ताजमहल देखने की, हमको वृंदावन में दिखाना था, पर उनको ताजमहल देखने की बड़ी रुचि थी, तो फिर उनको ताजमहल दिखाया. और फिर बाद में वृंदावन में हम कुसुम सरोवर देखने गए, तो बाद में वो बोले कि वास्तव में कुसुम सरोवर जो है वृंदावन में, ये ताजमहल से अधिक सुंदर है. वो क्या, वो शांत है, उसमें सुकून अधिक अच्छा महसूस होता है. तो क्या है, जब हम कुछ आकर्षक चीज़ के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे एक स्वाभाविक है कि हमारे मन में कुछ इच्छा जागृत होती है, मुझे ये चीज़ देखनी है, मुझे यहाँ पे जाना है. तो हमारी जो, तो उसी तरह से जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, तो फिर उससे क्या होना चाहिए, उसके भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए. वास्तव में साधारणतः लोग अध्यात्म के बारे में सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब कि हम इच्छाओं से, आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं. वो सही है एक दृष्टि से,
पर भक्ति मतलब वास्तव में हमारी इच्छाएं भगवान के प्रति और बढ़ जाती है, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के ध्यान में पूरा मग्न हो जाना, इसके लिए भगवान से आकर्षित होना, यह जो होता है यह भक्त के हृदय में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भगवान की लीला हम सुनते हैं तो उससे क्या हो रहा है, सत्यवत में बता रहे हैं कि मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दर्शन करना है, आपका स्मरण करना है, खास करके न सिर्फ आपका स्मरण करना है पर आपका इस रूप में स्मरण करना है। तो हम पांचवें श्लोक से चर्चा करेंगे। कोई गा सकता है ये? हम सब साथ, सबको पता है तो हम सब साथ में गाएंगे, एक एक लाइन गाएंगे और फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पांचवें लाइन से टुगेदर इदं ते मुखं भोजं अत्यन्त नीलैर्मृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्याः। ओके ओके, टू लाइन्स, ओके टू लाइन देखिए, हम फिर उसको रिसाइट करते। तो हम ऐसे करेंगे, क्या रिसाइट करेंगे, फिर उसका थोड़ा उसका अर्थ विश्लेषण करेंगे, फिर उसके पुनः एक बार उसको रिसाइट करेंगे और फिर उसके बाद में अगला श्लोक आएंगे, अगली पंक्तियाँ गाएंगे। तो पिछले श्लोक में बताया गया है कि मुझे केवल आपका ही रूप का स्मरण करना है। तो क्या है, हमारा मन एक तरह से कैमरा के समान होता है। और अभी हम कमरे में आ जाते हैं तो अभी हम देखते हैं इस कमरे में क्या क्या है, तो एक ऐसा ग्लांस सब एक दूसरे सबकी हो जाती है, फिर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो फिर कैमरा जूम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आते हैं और अगर आप किसी को जानते हो या किसी को सबको जानते हो पर आप कोई ऐसे व्यक्ति जिनको काफ़ी समय देखा नहीं है, फिर ध्यान क्यों जाता है और फिर हम उनके बारे में उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ आदान प्रदान करते हैं। तो वैसे ही अभी वो बता रहे हैं पिछले श्लोक में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे प्रभु आपके ही रूप का दर्शन करना है, केवल आपके ही रूप का दर्शन करना है। तो ये रूप के बारे में क्या विलक्षण है वो इस रूप इस श्लोक में बताया गया। तो ये कैमरा जो है अभी जूम कर रहा है, जूम करके उस रूप के और एकाग्र हो रहा है। तो इदं ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलैर, ये जो रूप है यह मुख जो है आपका अम्भोज के समान है, उसको क्या कमल के समान है ये। तो भगवान के अलग अलग शरीर के अंग होते हैं, उनको कई बार कमल से तुलना की जाती है कि चरण कमल कहते हैं। एक श्लोक आता है, किसी को पता है वो श्लोक, जिसमें भगवान के अनेक अंगों को कमल से तुलना की गई है। एक कुंती महारानी की प्रार्थना में आता है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमस्ते पंकजांग्रये। यहाँ पे जो है भगवान के अंग के चार अंगों को तुलना की गई है। पंकज नाभाय मतलब क्या है उसका, नाभि मतलब क्या होता है, नहीं बोल तो उनकी नाभि जो है वह एक पंकज के समान है। और फिर जैसे नमः पंकज नेत्राय, नेत्र मतलब तो उनके आंखें जो है पद्म नयन कमल नयन भगवान को कहते हैं। और फिर नमस्ते पंकज आंग्रये, आंग्री मतलब चरण कमल, तो उनके चरण भी कमल के समान है। पंकज माला है वहां पे बताया, माला भी उनकी पंकजों की है। तो ये कमल जो है यहाँ पे बताया गया है कि वरम इदं ते मुख अम्भोज, अम्भोज का संस्कृत में अर्थ होता है अम्बु मतलब पानी और ज मतलब जो जिसमें उगता है या जन्म होता है जिसका। तो कैसे कमल होते हैं जो जल में उगते हैं और बढ़ते हैं, तो अम्बोज। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि कई बार कमल से तुलना की जाती है, गुलाब से तुलना हो सकती है, किसी अलग अलग फूल से भी हो सकती है तुलना, पर खासकर कमल से तुलना करते हैं क्योंकि कमल जो होता है ऐसा होता है कि वह बड़े भले ही दलदल में उगता है पर वह दलदल से वह दूषित नहीं होता है। ऐसे कोई भी कीचड़ वगैरह सब कमल पे लग जाता है तो फिसल के निकल जाता है। तो इसीलिए कमल की तुलना जो है वह भगवान से करते हैं क्योंकि भगवान दिव्य होते हैं, भले ही वो इस जगत में आते हैं पर इस जगत में जो दूषण है, जो स्वार्थ है, जो काम क्रोध लोभ है, उनसे भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं। तो उनका जो चेहरा है
वो एक सुंदर है और पवित्र भी है। तो कमल की तुलना, कमल सुंदर होता है और कमल को पवित्र भी माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो नमस्ते, तो यहाँ पे बताया कि वरम इदम ते मुखाम्बुजम, और न केवल यहाँ पे उनके मुख है, जैसे मैं पता है कि पिछले श्लोक पिछले प्रवचन बताया था कैसे भगवान जब अपने भक्तों से भक्ति का संबंध जोड़ते हैं तो केवल ऐसा संबंध नहीं है कि मैं भगवान हूँ तुम मेरे सामने आके प्रणाम करो, भगवान अलग अलग रस अनुभव करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि यशोदा माई क्या कर रही है, इदम ते मुखाम्बुजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। तो भगवान का जो चेहरा है वो उनके बालों के द्वारा आच्छादित है, और भगवान का जो भगवान का वर्ण कैसे है, कृष्ण का वर्ण कैसे है, हाँ नील वर्ण है। तो जो है उनका जो कुछ साल 1965 में श्री प्रभुपाद 66 में प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मंदिर चालू किया, और उस समय क्या था, अमेरिका में सिविल राइट्स चल रहा था काफ़ी, कि जो जो सफ़ेद और काले लोग हैं उनमें काफ़ी झगड़े हुए थे, काले लोगों को काफ़ी समय तक उनको शोषण किया गया था, तो वो अपने हक बरता रहे थे, पर और कुछ सफ़ेद लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे। तो उस समय में प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में यहीं पे जो है वहाँ पे वो इंग्लिश सिखाते थे। तो एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको बुला लिया, प्रिंसिपल ने कहा उनसे कि मैंने सुना है कि तुम भगवान के बारे में बात कर रहे हो अपने इंग्लिश क्लास में। तो किसी विद्यार्थी ने उनको रिपोर्ट किया था, मुझे पता नहीं है कि कोई ऐसा नियम है कि भगवान के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन नहीं तुम एक भगवान की विचित्र संकल्पना के बारे में बात करो, और आपकी संकल्पना क्या है भगवान की, कि मैं मेरी कोई संकल्पना नहीं है भगवान के बारे में, अगर आपकी कोई संकल्पना है ही नहीं तो फिर आप मेरी संकल्पना को विचित्र कैसे कह सकते। नहीं नहीं नहीं, पर तुम बता रहे हो कि तुम्हारे तुम जो बता रहे कि भगवान एक काउबॉय है, तभी अगर आपको वेस्टर्न मूवीज के बारे में थोड़ा पता है तो काउबॉय मूवीज होते हैं, वो घोड़ों पे बैठ के गन लेके वेस्टर्न मूवीज कहते हो, काउबॉयज होते हैं। तो वो बोले कृष्ण काउबॉय नहीं है, काउहर्ड बॉय है, काउहर्ड बॉय वो गोपाल है वो ऑफे है। पर तुम कहते हो कि भगवान काले है, उससे हम गोरे हैं भगवान काले कैसे हो सकते। तो बोले तो बोले कि भगवान काले नहीं है, भगवान नीले है। तो यह जो है कि लोग बहुत आश्चर्यचकित चीज लगती है। एक बार किसी अमेरिकन टीवी एक रेडियो शो था, उसमें उन्होंने सर्वे किया कि व्हाट इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग यू हैव हर्ड, कि आपके जिंदगी में सबसे आश्चर्यजनक चीज आपने क्या सुनी है। तो उस शो में किसी ने जवाब दिया कि कोई हरे कृष्ण हमारे पास आता है, अमेरिकन बोल रहा था, कोई हरे कृष्ण हमारे पास आता है और वो कहते हैं कि भगवान एक नीले ग्वाला है, दिस इज द मोस्ट, ये सबसे आश्चर्यजनक चीज हमने सुनी हुई। तो ये जो भगवान की संकल्पना है ये बड़ी अप्रतिम है, क्योंकि क्या है, भगवान यहाँ पे ऐश्वर्य में नहीं रह रहे, भगवान बड़ी सरलता में रह रहे, भगवान निसर्ग के साथ जो निसर्ग में सौंदर्य है सरलता है उसके साथ समन्वय के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान तो गोपाल है पर यहाँ बड़े छोटे हैं, उनका चेहरा जो उनका जो वर्ण है नीला है, और उनके जो बाल है बड़े सुंदर है, और उनका जो नायक नाम है केशव, जो आप शिव बता रहे थे कि गा रहे थे केशव, तो केशव के अलग अलग अर्थ है पर एक अर्थ है जिनका कि उनका उनके केश बड़े सुंदर है। तो ऐसे जो भगवान है रुतम कुंतलई स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, तो उनके जो बाल है बड़े ही कोमल है, बड़े ही स्निग्ध मतलब सिल्क जो है बड़े ही कोमल और बड़े आकर्षक है। तो ऐसे जो भगवान का रूप है वो बता रहे हैं, पर इसमें भगवान के चेहरे पे वो वर्णन है, पर चेहरे पे एक विशेष मार्क है, एक विशेष लक्षण है, वो अगले पंक्ति में आएगा। तो ये हम पुनः गाते हैं, फिर उसके बाद में अगले गाते हैं। इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्त नीलैर्
Pridam kuntalai siddharakshagopya Mohuscham pridam bimba raktadharamme Manasya virasam halam lakshalame So, मनस यहाँ पे बता रहे हैं क्या हुआ है, भगवान के चेहरे पे कुछ चिन्ह आ गए। वो चिन्ह क्या है, यशोदा माँ ने उनका चुंबन किया और चुंबन करने पे जो उससे चिन्ह कृष्ण के चेहरे पे आ गया है, वह देख के सत्य दुनिया बड़े आकर्षित हो गए। अभी ये जो है तब का चुंबन नहीं है, क्योंकि अभी तो यशोदा माँ क्रोधित है, अभी वो चुंबन नहीं करने वाली, क्योंकि वो बांध के रखा उन्होंने कृष्ण को। पर क्या है, उन्होंने पहले जब कृष्ण उठे थे, कृष्ण खेल रहे थे, कृष्ण उनके पास आए, जब कृष्ण उनके उनके स्तन से दूध पी रहे थे, कृष्ण इस समय बड़े बहुत छोटे थे, तो फिर जब कृष्ण ने इस तरह से दूध पिया था तो माँ यशोदा उनको देख रही थी और इतना सुंदर कृष्ण लग रहे थे कि उन्होंने कृष्ण को उठा लिया, तभी उसके गाल पर चुंबन किया। और यह जो लक्षण ये देख के कि भगवान और भक्त कितना एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल पर्सनेबल रिलेशनशिप जो है, ये देख के क्या हो रहा है, सत्यवत मुनि पूरे भाव विभोर हो गए। हम सब इस भौतिक जगत में प्रेम के अभिलाषी होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें प्राप्त करते हैं, कोई बहुत धनवान बनना चाहता है, कोई बहुत रूपवान बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट चाहता है, कोई बहुत स्मार्ट बनना चाहता है, हम अलग अलग चीज़ें चाहते हैं जिससे कि हम आशा करते हैं कि हमारे प्रति कोई स्नेह करे, कोई प्रेम करे। और जब प्रेम होता भी है तो क्या होता है, हम सब उस प्रेम के कुछ, उस स्नेह के, उस रिश्ते के कुछ लक्षण चिन्ह चाहते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण होती है, पर जब इस तरह से किसी के स्नेह का हमें कुछ मूर्तिमान स्वरूप दिखता है, मान लीजिए हाँ किसी का जन्मदिन है और उस दिन कोई भेंट भेजता है, तो फिर क्या है, वो एक वस्तु है जो स्नेह बताती है, या फिर कोई अच्छा कार्ड लिख के भेजता है, उसमें कुछ अच्छा संदेश भेजता है, तो फिर वो भी एक स्वरूप है। तो क्या है कि प्रेम ये हमारे हृदय के अंदर होता है, दूसरे हृदय के अंदर, दूसरे लोगों के हृदय के अंदर होता है, पर जब वो किसी चीज़, किसी वस्तु के द्वारा व्यक्त होता है तो फिर क्या होता है, वो वस्तु एक उद्दीपन बन जाती है। उद्दीपन का अर्थ क्या है, उद्दीपन इज स्पिरिचुअल स्टिम्यूलस। जैसे भौतिक जगत में किसी को से क्रिकेट से बहुत आकर्षण है और वहाँ पे किसी एक क्रिकेटर का चित्र देखते हैं, मान लीजिए अगर बड़े मैच में उन्होंने सिक्सर मार के मैच जीत लिया है, तो फिर वो देखते हैं तो तुरंत उसकी स्मृति चालू हो जाती है। तो उसी तरह से क्या, वो एक तरह से भौतिक एक स्टिम्यूलस है। तो हमें आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भगवान की स्मृति करने के लिए अलग अलग उद्दीपन प्रेरित कर सकते हैं। तो किसी को एक कोई लीला बड़ी आशा, भगवान की लीला आकर्षक लगती है, तो कालिया भगवान कैसे कालिया पे नाचते हैं और लीला आकर्षक आकर्षक, तो चित्र देखते हैं फिर उससे जो भगवान के अंदर विचार चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान को चुंबन किया यशोदा मैया ने, वह क्या है, वह एक तरह से यशोदा का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का भी यशोदा के प्रति, कृष्ण ने वो चुंबन स्वीकार किया है तो वो उनके भी दोनों का प्रेम का लक्षण है, और तो वो दोनों के लिए प्रेम का लक्षण है, और सत्यवर्त मुनि के लिए क्या है, ये एक भक्ति में उद्दीपन है। कितना ये व्यक्ति, कितना प्रेम है कि भगवान और उनके भक्तों में, और वो देखते हैं तो क्या कहते हैं इसके कारण कि मनस्या विराष्टम अलम लक्ष्य लाभ, कि मेरे मन में मैं चाहता हूं कि यही स्मृति हमेशा लगी रहे और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अलम लक्ष्य लाभ है, अलग अलग चीजें कितनी भी मिल जाए उससे क्या संतुष्टि है, वास्तव में यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वोच्च, सर्व महत्वपूर्ण है। क्यों यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अगर जब भगवान की स्मृति होती है तो भगवान एक सुख सागर है, सर्व सुख सब सुख सागर सब गुण आगर, इसे भगवान को बताया गया है। तो अलग अलग चीजों की स्मृति करके हमको अलग अलग मात्रा में आनंद मिल सकता है, पर अगर भगवान की स्मृति होती है, क्योंकि भगवान अनंत है, तो भगवान की स्मृति में भी
आनंद जो है अनंत है। तो अभी हम सबके सामने भी अलग अलग उद्दीपन है, तो इसमें क्या है, तीन चीजें होती है। एक है ये उद्दीपन का जब हम उपयोग करते हैं वो तो उद्दीपन तीन चीज होते हैं, क्या है, there is the perception and then there is the recollection। जो व्यक्ति देखने वाला है, जो देखने की चीज है, देखना है, सुनना है, इस तरह से अनुभव करने वाला, जो सचेत व्यक्ति है, जो अनुभव करता है, और फिर अनुभव करने की वस्तु है, और उसके बाद में अनुभव। तो अभी यह अनुभव करने की वस्तु से अनुभव कब आता है, जब हृदय में भक्ति होती है। तो कैसे है, यहाँ पे दो चीजें है कि द स्पिरिचुअल स्टिम्यूलाई आर बोथ they are the activators of devotion and they are activated by devotion। दोनों है ये। मतलब कैसे है कि भगवान के सुंदर हम altar में आए गए, मंदिर के घर में आए गए, तो फिर तो उस वहां पे अगर हृदय में थोड़ी भक्ति है तो फिर वो देख के फिर आकर्षण जागृत हो। तो अगर कोई किसी को विश्वास ही नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो वही कहेगा ये केवल सजाए हुए पत्थर है, तो फिर क्या है, उससे जागरूक नहीं होगी। तो जो उद्दीपन है, जैसे मान लीजिए वही क्रिकेट का चित्र है, कोई किसी क्रिकेट में कोई रुचि है ही नहीं, एक और चित्र है यहाँ पे, क्या बड़ी बात है। तो क्या है, कुछ आकर्षण पहले होना चाहिए। तो इसलिए द स्टिम्यूलाई एट द रिकलेक्शन इज एक्टिवेटेड बाय डिवोशन। तो पहले थोड़ा सा भक्ति चाहिए, और भक्ति के द्वारा जो है फिर हमारी स्मृति चालू हो जाती है, और फिर जब इस चालू हो जाती है तो उससे और भक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अगर वो दे आर द एक्टिवेटर्स ऑफ डिवोशन एंड दे आर एक्टिवेटेड बाय डिवोशन, कि वो हमारे भक्ति के शुरू होते हैं, फिर उससे भक्ति शुरू होती है। तो फिर पहले हम कैसे शुरुआत करते हैं, इसके लिए संग जरूरी है। अगर हम भक्तों के संग में आते हैं तो वहां पे भले ही हम में भक्ति नहीं हो, पर दूसरे भक्तों के हृदय में भक्ति होती है, और उनके भक्ति को देख कर हमारे हृदय की भक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए संग बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे हृदय में कभी हमारे हृदय में भक्ति हो भी तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो भक्ति बहुत दूसरे चीजों से पीछे चली गई है, तो फिर कुछ प्रवृत्त होते नहीं है। तो भक्तों के संग में आते हैं, अगर कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो फिर क्या होता है, उससे वो भक्ति प्रवृत्त हो जाती है। तो यहाँ पे अभी सत्यव्रत मुनि तो स्वयं ही महान भक्त है, और वह इस लीला के स्मरण में बहुत बहुत डीप चले गए, बहुत गहरे चले गए हैं। तो उनको अभी यह एक चिन्ह देखकर वो इतना भाव विभोर हो गए, वो कह रहे कि हे प्रभु, मेरे मन को मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मनस्या विराष्टम अलम लक्ष्य लाभ, भाई दूसरा और क्या चीज चाहिए। भागवतम के 11वें स्कंद में लोग आता है कि कोई भक्त है जो भगवान से आसक्त हो गया, उसको सारे ब्रह्मांड की संपत्ति कोई कोई क्यों ना दे दे, वह सारे ब्रह्मांड की संपत्ति भी भगवान का स्मरण, अगर उसको बोले कि आप एक पल के लिए भगवान का स्मरण छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। आजकल के लोग ऐसे होते हैं, उनको सारे ब्रह्मांड की संपत्ति दे तो भी वो भगवान का स्मरण नहीं करेगी। क्या होता है कि उसमें क्या है, ज्ञान नहीं है हमारे पास, भक्ति नहीं है। पर यह जो उदाहरण है, इससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान की भक्ति में। यहाँ पे हम दो भाव रख सकते हैं, कह रहे मुझ में कुछ भी भक्ति नहीं है, मुझे कुछ ऐसा आकर्षण नहीं है, पर दूसरा भाव रख सकते हैं कि अगर किसी में भी ऐसी भक्ति है, मतलब कितना आनंद का अनुभव कर रहे होंगे, कितना भगवान में आनंद होगा कि उनको ऐसे ये अनुभव करके लग रहा है मुझे कुछ और बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उस तरह से हम प्रेरणा प्रदान करते कि मुझे भी उस स्तर पर जाना है, समय लगेगा, भक्ति का अनुशीलन करना पड़ेगा, पर मैं भी उस स्तर पर जाना चाहता हूँ। ये पुनः हम दोहराएंगे, मुहुश्चुंबितां बिम्बवृतां मनस्याविराष्टं लक्ष्यलाभे, नमो देवतामोदयविष्णौ प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमानम्। नमो, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी जब हम स्मृति होती है, तो किसी की स्मृति होती है तो कैसे होती है कि जब हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को एक संदर्भ में देखते हैं, एब्जॉर्प्शन इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्शन। जब हम किसी चीज में मग्न हो जाते हैं तो कैसे होते हैं
कि वह एक चीज को देखते हैं फिर उसे दूसरी चीज याद हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अभी कोई क्रिकेट की तस्वीर देखता है तो एक तस्वीर से क्या होता है, अरे वो मैच में ऐसे हुआ था, अरे ये प्लेयर ने ऐसे किया था, वो ऐसे किया था। तो एब्जॉर्प्शन इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्शन। जो चीज हम देखते हैं उसको जितना हम दूसरे स्मृतियों से जोड़ सकते हैं उतना हम उसमें एकाग्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भगवान का इस रूप को देख रहे हैं और फिर इस श्लोक में वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं और उन अलग अलग नामों से वो क्या दिखा रहे हैं कि वो ये जो चित्र है, ये जो अप्रतिम प्रतिमा जो है उसके देख दर्शन कर रहे हैं, वह उससे वो याद कर रहे हैं कि ये वास्तव में साधारण नहीं है, भगवान है। तो नमो वे, अभी ये नमो है यह बार बार नहीं आता है इस श्लोक में क्योंकि बहुत ही अंतरंग लीला है। तो पहले इसमें आया था नमः ईश्वरम। तो जब भगवान के बहुत ही मधुर रूप के बारे में चर्चा हो रही है तो उस समय ऐसे यशोदा माई भगवान को भी प्रणाम नहीं करती और रसाभास हो जाएगा क्योंकि क्या है, यशोदा माई की माँ के रूप में। पर जब हम कोई भी चीज समझते हैं तो क्या होता है, कभी उसको बहुत करीब जाके हम देखते हैं और कभी उसको दूर जाके देखते हैं। दूर जाके मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पे आपके आके कहूँगा कि मैं अभी एक प्रवचन दूंगा कि कैसे अलास्का में जो भालू है उनकी लोकसंख्या कम हो रही है, ये क्या संबंध है इसका। अगर मैं ऐसे उसके ये इस साल में इतने संख्या थी, इनकी जनसंख्या कम हो गई, इतनी जनसंख्या, क्या चल रहा है। तो अगर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है तो उसका क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पर उसका संबंध क्या है मुझसे लगेगा। पर मैं बोलूंगा और फिर ये जनसंख्या कैसे कम हो रही है, इससे मैं फिर बताऊंगा किस तरह से आजकल के पर्यावरण में बहुत उपद्रव हो रहा है और ये पर्यावरण में उपद्रव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हमारा अंतरंग पर्यावरण दूषित है। तो भक्ति के द्वारा हम अंतरंग पर्यावरण शुद्ध कर सकते हैं, उससे बाह्य पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा और फिर उससे हमें पर्यावरण में समतोल आ जाएगा। तो क्या है कि एक है स्पेसिफिक फैक्ट्स और दूसरा है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो अगर केवल हमको स्पेसिफिक फैक्ट्स मिलते हैं कुछ ये जानकारी तो जानकारी से केवल समझ नहीं आती है। जानकारी इंटरेस्टिंग होती है पर उसे कुछ समझ नहीं आते क्योंकि क्या है, इस जानकारी का महत्व क्या है। तो फिर जो जानकारी को समझने के लिए क्या है, हमें ऊंचे स्तर से देखना पड़ता है इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो वो फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एट द बॉटम ऑफ द लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, एट द टॉप आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो पिछले श्लोक में क्या हुआ है, वो एक बहुत ही विशेष और विशिष्ट दृष्टि को बताया गया पर अभी इससे वो ऊपर से दूर से देख रहे हैं, बड़ा बिग पिक्चर व्यू, बर्ड्स आई व्यू, कि ये वास्तव में कोई साधारण माँ ने किसी अपने बच्चे को चुंबन किया है ऐसे नहीं है, ये बच्चा कोई बड़ा ही अप्रतिम है। तो इस श्लोक में क्या है, वो बिग पिक्चर व्यू, बर्ड्स आई व्यू जैसे होता है कि एक पंछी ऊपर से देखता है तो क्या होता है, वो पूरा चित्र देखता है। तो वैसे 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 दृष्टि क्या है कि ये जो बालक है नमो देव, ये जो है ये भगवान है। तो देव इस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। देव का एक अर्थ होता है कि जैसे दिया होता है, जैसे अभी दिवाली पर बाहर दिया लगाया हुआ है, तो जो जो ज्योतिपूर्ण होते हैं उन लोगों को देव कहते हैं। देव का एक दूसरा अर्थ होता है कि जो देते हैं, जो वरदान देते हैं उनको देव कहते हैं। देव का एक और अर्थ होता है कि जो दैवी प्रवृत्ति के होते हैं उनको देव कहते हैं। तो ये जो है देव है, न केवल ये देव है, ये देवों के देव है। नमो देव दामोदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो नाम है चुने हुए हैं द से ही है नाम। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, वही शब्द अलंकार और अर्थालंकार संस्कृत में होते हैं। जैसे एक शब्द अलंकार है कि दोनों अलग अलग नाम चुने जा सकते हैं पर यहाँ पे नाम चुने गए हैं जो जो उसी उसी अक्षर से जो होते हैं, देव और दामोदर। तो क्या है, जो देव जो जो महान है, जो सबको वर प्रदान करते हैं, वो भी बंधे गए हैं। नमो देव दामोदर। पर भले ही बंधे गए हैं अभी भी वह सीमित नहीं है, वो क्या है, अनंत है। नमो देव दामोदर अनंत। और कितने अनंत है वो, अनंत मतलब कहेगा कि वह उनकी कोई सीमा नहीं है।
पर हम कभी कह सकते हैं कि तो सागर अनंत है, पर फिर भी सागर अनंत नहीं होता, उसका अंत होता है। पर यहाँ पे जो है ये इतने अनंत है कि वो क्या है, वो विष्णु है। अभी विष्णु हम साधारण सोचते हैं कि जो शंख चक्र गदा पद्म पहने हुए धरे हुए जो व्यक्ति है उनको विष्णु कहते हैं, वो सत्य है। पर विष्णु शब्द का एक अर्थ भी है, विष्णु का अर्थ है कि विश्व के हर अणु में जो है वो विष्णु कहलाते हैं, जो सर्वव्यापी है, विश्व के हर अणु में जो है। तो भगवान कितने अनंत है, केवल मात्रा के लिए नहीं है, ये सही में अनंत है। जितनी भी अस्तित्व की व्याप्ति है पूरे अस्तित्व में है, और ऐसे भगवान बंधे गए हैं, तो वो उनको मैं नमन करता हूँ, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो यो लीला का महत्व है, असीमित भगवान वो बंधे गए हैं, उसका इन चार नामों के द्वारा बड़े ही ज्ञान और सौंदर्य के साथ वहां पे उसका उल्लेख होता है। और ये भगवान इस तरह से इतने भक्ति से आकर्षित होते हैं, भक्ति से बंध जाते हैं, तो इतने कृपालु है वो अपने भक्त के प्रति कि वो भक्त से बंधे गए हैं, तो वो सोचते हैं कि हे प्रभु आप इतने भक्तों के प्रति कृपालु हो तो मुझ पे भी कृपालु हो जाए। प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम, तो वहां पे तो एक आनंद का कुंड है, आनंद कुंड में सब लीन हो रहे हैं, सब मग्न हो रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, दुख जलाब्धि, इस भौतिक जगत क्या है, दुखों से भरा हुआ है। दुख जल अवधि, अवधि मतलब सागर, जल मतलब पानी, तो इसमें इस भौतिक जगत ये एक सागर है, पर ये सागर में क्या है, सागर ये दुखों का सागर है। मैं कोई कहेगा ये बड़े निराशावादी है, कहते क्यों कहते हैं दुनिया में, कभी ऐसे लोग कहते कभी खुशी कभी गम तो आप ऐसे क्यों कहते दुखों का सागर है। वास्तव में कैसे है कि ये अगर कोई कहता है कि दुखों का सागर नहीं है, इसका विश्लेषण हम तीन पद्धतियों से कर सकते हैं। क्या दुख की परिभाषा क्या हो सकती है, दुख की कोई लोग अलग परिभाषा कहते हो सकती है, पर प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर परिभाषा करते हैं। दुख का अनुभव सुंदर नहीं होता है, पर दुख का विश्लेषण सुंदर है ये क्या कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्नि नासकल योनिषुदयमान दुख औषधम तदपि दुखम तद्धियाहम भूमान भ्रमामि वदमे तव दास्य योगम। कहते हैं कि हे प्रभो, इस जगत में हम सब के कुछ चीजें प्रिय होती है, कुछ चीजें अप्रिय होती है, हम चाहकर अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो जो प्रिय चीज है उनसे हम संयोग चाहते वो प्राप्त हो मुझे, और जो अप्रिय चीजें हैं उनसे वियोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कभी इसका चेहरा भी देखना नहीं है। बोलते जो प्रिय है उनसे हम संयोग चाहते हैं, जो अप्रिय है उनसे वियोग चाहते हैं। पर वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे होता है कि जो प्रिय है उससे वियोग हो जाता है और जो अप्रिय है उससे संयोग हो जाता है, और यह दुख का कारण है। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु। तो हम देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मुझे जो प्रिय है वही मिलता है, मुझे जो अप्रिय है कभी नहीं मिलता है, कोई नहीं कह सकता है। कितनी सारी आज के दिन में अगर आप गिनोगे तो कितनी सारी अप्रिय चीजें आपकी जिंदगी में हो गई होगी। तो कहते हैं कि ये दो दिस टू पॉइंट डेफिनेशन ऑफ मिजरी, मिजरी मींस टू गेट द अनडिजायरेबल एंड टू नॉट गेट द डिजायरेबल। दुख की परिभाषा क्या है कि जो नहीं मिलना, जो मुझे प्रिय है वो नहीं मिलता है मुझे, जो अप्रिय है मिलता है। तो उस परिभाषा से हम सब देख सकते, सब लोग इस जगत में दुखी है। पर कोई कहेगा पर मैं मेहनत करता हूं और कभी कभी मुझे जो प्रिय है वो मिल भी जाता है तो तभी मैं सुखी हो जाऊंगा। पर वो कहते नहीं, जब ऐसे होता है तो दुख औषधम तदपि दुखम, जो कभी कभी ऐसा होता है जो प्रिय है वो मिल जाता है और उसके बाद में उसके कारण ही दुख होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाएगा, ये पद मिल जाना चाहिए, ये संबंध बढ़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और फिर प्राप्त करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। अब ये हर बार होगा ऐसे जरूरी नहीं है, पर ऐसे होता है कई बार। तो यहाँ पे इस कहने का भाव क्या है
कि यह मत सोचो कि सिर्फ आपको जो चीज चाहिए वो प्राप्त हो जाएगी तो उससे आपको सुख मिल जाएगा, जरूरी नहीं है ऐसे। कभी कभी जो चीज प्राप्त होती है वह वही हमें दुख का कारण बन जाती है। जैसे भागवत में कुछ कहानी आती है, जैसे किसी को कुछ, किसी राजा को बहुत चाहिए होता है, कुछ मिल जाता है, वही दुख का कारण बनता है। कौन सी कहानी है वो? भागवत में कहानी आती है कि एक राजा होता है, बहुत इच्छा करता है किसी चीज की, महाराज चित्रकेतु, महाराज पुत्र की इच्छा होती है, चाहिए पुत्र, चाहिए पुत्र, चाहिए पुत्र, चाहिए। और फिर बाद में पुत्र मिलता है, बहुत सुख होता है, बहुत हर्ष होता है, पर बाद में क्या हो जाता है? वो शोक हो जाता है। जो पुत्र चला जाता है तो फिर शोक हो जाता है उनको। तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि हमें जो चाहिए उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो 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 प्रिय है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसके प्रयास नहीं करना चाहिए। पर यह भाव रखना कि ये प्राप्त हो जाने से मुझे सुख मिल जाएगा, वह भाव जो है वह भ्रांत है। हैविंग मटीरियल थिंग्स इज नॉट द प्रॉब्लम, बिलीविंग दैट मटीरियल थिंग्स विल मेक अस हैप्पी इज द प्रॉब्लम। बहुत ही चीजें हम सबको चाहिए जगत में जीने के लिए, पर वह सुख का स्रोत नहीं है। हैप्पीनेस कम्स नॉट बाय मेकिंग मनी, बट बाय मेकिंग समथिंग वर्थवाइल विथ मनी। ये पैसे बनाने से, पैसा जरूर सबको जरूरी होता है, पर पैसे से सुख नहीं आता है। आप पैसे के साथ क्या कर रहे हो, पैसा आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सुख मिलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दुख जलाभ दिमग्नम, ये हम सब दुखों के सागर में, मैं कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं दुख के सागर में मग्न हूँ। और प्रसिद्ध प्रभु, हे कृपा, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करो। क्या कृपा करो वह अगली पंक्ति में बताएंगे। तो हम ये गाते हैं, फिर अगली पंक्ति गाते हैं। नमो देव देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाभि मग्नम्, कृपा दृष्टि वेष्ट्याति दीनं गतानु गृहाणि क्षमाद्यं वेष्ट्या। तो कृपा दृष्टि वृष्ट्या, हे प्रभु आप आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे दर्शाओ। अति दीनम बतानु, मैं बहुत ही पतित हूँ। अभी कोई व्यक्ति जब मान लीजिए कोई कोई जो हम भगवान के पास जाते हैं तो एक भक्ति और पुण्य में भाव अलग होता है। जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य एक तरह से भगवान से हम धंधा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी ये पूजा करूंगा तुम मुझे ये दो, तो ये एक बिजनेस के समान है। तो वो भी अच्छा है, कम से कम भगवान से संबंध है। पर भक्ति में जो भाव होता है वो एक बिजनेस का भाव नहीं होता है, वह एक सेवा और याचना का भाव होता है। तो यहाँ पे बोल रहे जब कोई मान लीजिए कोई कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, वह किसी अमीर व्यक्ति से कुछ मांगने जा रहा है, मुझे मदद कीजिए आप, तो फिर तभी क्या करते हैं वो साधारणतः जब कोई कोई गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति से मांगता है तो तीन चीजें होती साधारणतः। पहले बताते हैं कि आप कितने धनवान हो, आप कितने दानवीर हो, वो व्यक्ति का गुणगान होता है। दूसरा फिर होता है कि मैं कितनी बुरी परिस्थिति में हूँ, ये बोलो कि ओ हमारे घर में कुछ खाना नहीं है, हमारा घर टूट रहा है, मेरे बच्चे भूखे हुए हैं, ये है वो है, खुद की दयनीय अवस्था बताते हैं। और फिर तीसरे वो कुछ याचना करते हैं कि आप कृपया मुझे ये दे दीजिए। उसी तरह से जो है जब भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त, तो आप कई बार ये तीन भाव देखेंगे कि भगवान का गुणगान, आप कितने महान हो। तो अभी नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये जो है भगवान का गुणगान था। और फिर वो अपने दयनीय परिस्थिति बता रहे कि मैं दुख जलाभ दिमग्नम, मैं दुखों के सागर में पीड़ित हूँ, और निखिल और अति दीनम बटानो, मैं बड़ा दीन हूँ कि ये दुखों के सागर से कैसे बाहर निकलना है इसका भी ज्ञान नहीं है मुझे। तो कृपया आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि में दिखाइए, कृपा दृष्टि विष्टा अति दीनम बतानो। तो अगर भगवान की कृपा दृष्टि अगर हम पे हो जाती है तो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, वो कृपा दृष्टि, वो भी एक कृपा है भगवान की। पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये है कि वह हमें इस भव सागर से उठा लेते हैं। और इस भव सागर से कैसे उठाते हैं? वो हमारी चेतना को उठाते हैं, हमारी आसक्ति को उठाते हैं। हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत से लगी हुई है, जब भगवान कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं तो फिर उसके द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होता है। भगवान की कृपा दृष्टि होते थे उससे उनका सौंदर्य, उनका उनका उनकी जो मधुरता है
हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। उससे क्या होता है फिर, ग्रहानेश माम अज्ञम, अज्ञ मैं अगर अज्ञ हूं तो ग्रहानेश आप मुझे, आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे उठाए, उठा लीजिए। कैसे उठा लीजिए? आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर दर्शा कर, मुझ पर दर्शा कर आपका दर्शन मुझे दीजिए। एध्य अक्षी दृश्या, कि मैं इन आंखों से आपको देख सकूं। अब तक सत्यव्रत मुनि ये कैसे देख रहे हैं? अपने मन से चिंतन कर रहे हैं। मनस्याभिराष्टम अलम लक्ष्य लाभ, कि हमारे मन की भी एक आंखें होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति से उस बड़ा स्नेह या प्रेम का संबंध होता है तो व्यक्ति दूर भी हो जाएगा तो हम आंखें बंद कर लेंगे तो उस व्यक्ति का चित्र हमारे मन में आता है। तो फिर अभी तक वो मन की आंखों से देख रहे हैं पर वो चाह रहे हैं कि हे प्रभु आप कृपया मेरे सामने आ जाओ और मुझे आप दर्शन दीजिए। तो कृपा दृष्टि वृष्ट्या, एक और गाते हैं हम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं वरदानं तो भगवान जब एक कार्य करते हैं तो उससे अनेक उद्देश्य साध्य करते हो, तो एक तरह से यहाँ पे बन जाते हैं वो। अभी पिछले श्लोक में बताया उन्होंने कि ये भगवान अभी भी अनंत है, वो दामोदर है फिर भी अनंत है, उनकी शक्ति के सीमित नहीं है। तो अभी उसका प्रमाण दे रहे, कैसे अगर ये बंधे हुए है, खुद को बांधे हुए है, वो छुड़ा भी नहीं सकते हैं तो कैसे वो असीम, कैसे वो अनंत है, कैसे वो असीमित है। तो एक उसके बाद में जो प्रसंग हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। कृष्ण लीला इज अ फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्णा एग्जिबिटिंग ऑमनीपोटेंस एंड कंसीलिंग ऑमनीपोटेंस। भगवान कृष्ण की ऐसी लीला होती है कि कभी कभी वो अपनी सर्वव्यापी शक्ति बताते दर्शाते हैं और कभी कभी अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है उसको छुपा देते हैं। अभी यशोदा मैया ने उनको बांधा हुआ है तो अभी वह उस बंधन को छुड़ा नहीं सकते। अगर साधारण कोई आप मूवी में कोई स्टार होता है, सुपरमैन या कोई ऐसे होता है, कोई उनको बांध देता है तो अपनी शक्ति तो बहुत अच्छी शक्ति है इसकी। तो अभी भगवान के पास ये शक्ति नहीं है कि वो रस्सी को तोड़ सके। वो पर क्या है, वो रस्सी से बंधे होते हुए क्या किया उन्होंने, वो उखल को खींचते हुए लिख गए और वहां पे दो बड़े वृक्ष थे विशाल, और वृक्षों के बीच में अपने उखल उन्होंने खींचा और वो उखल को जब खींचा उन्होंने तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। तो ये क्या है, भगवान सीमे, भगवान छोटे बच्चे हैं फिर भी सर्वशक्तिशाली है, और इस तरह से वो दिखा रहे हैं कि वास्तव में बंधे हुए नहीं, अभी भी भगवान है। क्यों वृक्षों को गिराया, कि वृक्षों के रूप में वो कुबेर के, जो कुबेर आत्मजौ, जो उनके कुबेर के पुत्र थे नलको और मणिग्रीव, वो बंधे हुए थे। बद्ध मूर्ति वद, तो भगवान वो एक बद्ध मूर्ति में थे पर जो बद्ध शरीर में थे उनको भगवान ने छुड़ा दिया। त्वया मोचित, तो और कोई कह सकता, भगवान कहेंगे मैं तो छोटा बालक हूं, मैं तुम पे क्या कृपा कर सकता हूँ? तो नहीं, आप छोटे बालक हो फिर भी आप परम पुरुषोत्तम भगवान हो। तो त्वया मोचित भक्ति भाजौ कृत, और उन्होंने नलकोर मणिक्रीव को न केवल उस वृक्ष के शरीर से मुक्त कराया पर उनको भक्ति भी प्रदान की। नलकोर मणिग्रीव जो दशम स्कंद में वहां पे उसने अंत में बड़े सुंदर प्रार्थनाएं वो अर्पण करते, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया, कहते हैं कि हे प्रभु अब तक तो हम शरीर, हम ऐसे वृक्ष के शरीर में थे, हम कुछ बोल नहीं सकते थे पर अभी हम बोल सकते हैं, तो हमारी इच्छा यही है कि हम हमारे वाणी से केवल आपका गुणगान कर सके। हम हस्तौ च कर्मसु, हम केवल आपके हमारे हाथों से तुम्हारे कर्म, तुम्हारे सेवा कर सके। इस तरह से क्या हो गया, भगवान ने भक्ति भाजौ कृत, न केवल उनको उस शरीर से मुक्त किया पर जो अज्ञान हमें भक्ति से दूर रखता है उससे भी मुक्त किया। तो वह भाव यहाँ पर बताया गया है। एक और बार दोहराते हैं, कुबेर तथा प्रेम भक्ति स्वकामे भयाचा
Namo Kshayaho Me Stita Modarina. तथा प्रेम भक्ति में इस तरह से आप मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करो। तो यहाँ पे दो इच्छाएं हो रही है। पिछले श्लोक में ऐसी इच्छा है कि आप कृपा दिखाओ मुझे और आपका दर्शन दो। कोई कहेगा ये तो बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई आप कार में ड्राइविंग कर रहे हो और कार पे कोई आपको कोई भिखारी नॉक करता है, क्या चाहिए? आपकी कार दे दो ना मुझे। क्या जरूरत कैसे कार खरीदने के लिए? तो पिछले श्लोक में बोलते हैं कि उनको लगता है सत्यरूपी को मैंने बहुत ही बड़ी चीज मांगी, हे भगवान आप मुझे दर्शन दे दो। तो मेरी पात्रता क्या है दर्शन प्राप्त करने की? ठीक है, अगर आप दर्शन नहीं दे सकते मुझे तो फिर मुझे कम से कम आप आपकी भक्ति प्रदान करो। और बोले मैं पात्र नहीं हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ये नलकुंवर मणिगुरु पात्र नहीं थे पर उन्होंने आपने उनको भक्ति प्रदान की, तो मुझे भी भक्ति प्रदान कर दो आप। तथा प्रेम भक्ति, जैसे उनको भक्ति प्रदान की वैसे स्वकाम में प्रयच्छ, मैं याचना कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरी अभिलाषा है। और फिर वो कहते हैं कि और भगवान बोले कि मैं आपको कुछ और दे देता हूँ। नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नमोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदरेह, हे प्रभो आप जो भक्ति से जीते जाते हो मैं आपकी भक्ति ही चाहता हूँ, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भगवान देते हैं तो भगवान हमारी इच्छाओं को जांच करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि माया क्या है, माया जो होती है वह देखती है कि आप भगवान को कितना चाहते हो, हाउ सीरियस आर यू अबाउट कृष्ण, आर यू कि अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हो तो भगवान के धाम आप सेवा करना चाहते हो या भगवान को डिस्टर्ब करना चाहते हो, ये दो ये दो ये दो ये दो। तो अगर आप कुछ और चाहिए तो भगवान माया के द्वारा वो चीज दे देंगे और फिर भगवान से वांछित रह जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें बहुत ही चीजें बहुत ही जगह से जरूरत होती है पर सबसे प्रधान हमारी जो जरूरत है वो भगवान है। तो नमोक्षे ग्रहो में स्थित, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए है भगवान। बार बार वो वही बता रहे हैं कि बाकी चीजें नहीं चाहिए। अभी साधारणतः जो अधिकांश लोग भौतिक जगत में होते हैं उनको बहुत सी भौतिक इच्छाएं होती है, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। पर जब जो जैसे सत्यात्म संत होते हैं उनको ये भौतिक चीज से प्रलोभन नहीं होता है, पर उनका प्रलोभन क्या होता है? मोक्ष। इस भौतिक जगत से मुक्ति मिलकर मुझे शांति प्राप्त करी मोक्ष में। तो कह रहे कि मुझे वो भी प्रलोभन नहीं है, न मोक्षे ग्रहो में स्थित। और फिर यह जो लीला है इसमें कई बार ऐसे भाव होता है कि हम देखते हैं भक्त खासकर शुद्ध भक्ति के मार्ग में कि भक्त कुछ याचना भी करते हैं पर जब वो अपनी प्रार्थना का अंत करते हैं वो याचना के साथ अंत नहीं करते, वो गुणगान के साथ अंत करते हैं कि हे प्रभु आप इतने महान हो और आपका गुणगान अगर मैं कर सकूं तो उसी में मेरे जीवन का परिपूर्णता है। इसीलिए आखिरी श्लोक जो है वह पुनः गुणगान है, वह कोई याचना नहीं है। ऐसे मान लीजिए अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम उनसे कुछ मांगते हैं तो ठीक है, अगर वो जो इंटरेक्शन होता है, वो जो बातचीत होती है वो उसी मांग पे अगर अंत होती है और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर क्या हमारी उनकी याद पूरी रहती है, उनके बारे में याद अच्छी नहीं रहती है और उनका भी जो याद होता है कि ये मांग रहा था मैंने नहीं दिया। इफ सम रिक्वेस्ट इज नॉट फुलफिल्ड देन द इंटरेक्शन एंड्स ऑन अ बैड टेस्ट, सॉर नोट। हम किसी कुछ मांगा जाता है और नहीं बोलते तो हम किसी को बोलते हैं आप कार्यक्रम के लिए आओ और बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता और हम बोलते हैं तुम कभी भी आते नहीं हो, टाइम फोन रख देते हम। फिर क्या होगा, वो जो है उस समय तो नहीं आए पर उससे संबंध भी खराब हो गए। ठीक है, अगर वो नहीं आते बोलते ठीक है फिर नहीं आ रहे आप, ठीक है बाकी सब ठीक चल रहा है, एंड ऑन अ प्लेजेंट नोट। कैसे? तो उसी से क्या है यहाँ पे वो प्रार्थना याचना तो कर रहे हैं पर याचना पे अंत नहीं कर रहे, वो गुणगान के साथ अंत करते हैं। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदिति दाम्ने त्वदीयोदराय च विश्वस्य दाम्ने। सो नमस्ते स्तु दाम्ने, अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अभी भगवान तो दिव्य है, भगवान तो हमेशा हमारे प्रणाम और नमन के योग्य है पर भगवान ही केवल योग्य नहीं है, जो भी भगवान से संबंधित होता है न केवल लोग हो जो भक्त भी होते वो भी महान होते।
तो नमस्ते सुदामने, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? न केवल आपको प्रणाम करता हूँ, पर आपको जिस रस्सी ने बांधा है वह भी प्रणाम करता हूँ। कई बार युवक होते हैं, अगर जगन्नाथ रथ यात्रा पर जाते हैं तो जगन्नाथ को कोई उनका कोई वस्त्र होता है वह हाथ में बांधते हैं, कभी गले में बांधते हैं। भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें वो भी पवित्र हो जाती है। कहते हैं कि ये जो रस्सी है उसका कितना भाग्य है कि वो रस्सी आपको बांध पाई। नमस्ते स्तु दामने और पूरा दीप्ति धामने, कोई साधारण रस्सी नहीं है, ये बड़ी दिव्य भाग्यवान रस्सी है। उनको दृष्टि हो रही है कि ये रस्सी भी चमक रही है, ये रस्सी पूरा दीप्ति धाम ने और दीप्ति का धाम है वो। त्वदीयो दरायाद विश्वस्य धाम ने, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शब्दों का खेल है। दाम धाम धाम, तो पहले पंक्ति में दाम आता है, उसके अंत में धाम आता है और तीसरे में धाम आता है, धाम ने धाम ने। कई बार भक्त गाते हैं तो वो दाम और धाम को कंफ्यूज कर देते हैं। नमस्ते तो धाम ने स्फुरत दीप्ति दाम ने, ऐसा जाता है वो। पर क्या है वो, दाम और धाम है। धाम मतलब जहां पर रहता है, दाम मतलब रस्सी। तो आपकी जो आपका जो उदर है, आपका जो पेट है, वो विश्व का धाम है। वो कैसे है, कृष्ण जो है उनके एक विस्तारित रूप है विष्णु, और विष्णु के नाभि से, उनके पेट से वह कमल आता है जिसपे सारे विश्व की सृष्टि होती है। तो भगवान विश्व रूप भी दिखाते हैं, उनके सारा विश्व जो उनके उनके अंत में उनके ही शरीर में होता है। तो इसलिए जो आपके जो उदर है, जो विश्व का धाम है, उस उदर को ये रस्सी ने बांध लिया है। तो कितनी और कितनी अद्वितीय ये रस्सी है। तो उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। तो नमस्ते स्तु दामने गाते, नमस्ते तो नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, मैं उन राधिका को प्रणाम करता हूँ जो आपको बहुत प्रिय है। तो अभी हम साधारणतः कहते हैं कि इस लीला में तो कृष्ण और यशोदा है, तो राधा कैसे आगे भी यहाँ पे? तो इसके दो विश्लेषण हैं। एक है कि खास करके हमारे हम सब भक्ति कर रहे भक्ति के साधना के संप्रदाय है, हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं। तो इस संप्रदाय में राधा रानी की महिमा के बारे में बहुत भक्तों को दृष्टांत और साक्षात्कार है। तो भक्ति सांश ठाकुर कहते हैं कि जब कृष्ण को यशोदा में बांध रही थी तो वो बांधने का बहुत प्रयास कर रही थी, और आप जानते हैं कि वो रस्सी हमेशा दो उंगली कम पड़ रही थी, और फिर और रस्सी ला रही थी, वो रस्सी भी दो उंगली कम पड़ रही थी, और रस्सी ला रही थी, फिर भी दो उंगली कम पड़ रही थी। तो जब अभी वृंदावन एक छोटा सा गांव है, और छोटे से गांवों में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता है, एक चीज एक व्यक्ति के घर में कुछ होगा सबको पता चल जाता है। तो फिर यह जानकारी सारे वृंदावन में फैल जाती है, सारे वृंदावन के जो ब्रज गोपियां हैं वह रस्सियां लेके आती हैं, और फिर वृंदावन से गोकुल धाम से ये जो बरसाना है वहां पर जानकारी पहुंचाती है, और फिर बरसाना से राधा रानी भी वहां पर आती है। राधा रानी बिल्कुल छोटी लड़की है, वहां पर कृष्ण भी छोटे बालक है, राधा रानी उनसे भी छोटी है। राधा रानी ऋषिभानु और राधा रानी कीर्तिदा के साथ आती है वहां पे। जब सब लोग अपनी रस्सियां देते हैं और वो सब कम पड़ जाते हैं, फिर किसी बांधने नहीं आते, तो तभी जो राधा रानी जो होती है अपने बाल से अपना रिबन निकाल के देती है, और जब यशोदा वो रिबन लगाती है तो फिर कृष्ण बंध जाते हैं। तो यहाँ पे जो है राधा रानी जो है वह उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे। और दूसरी चीज यहाँ बताई गई है कि राधा रानी ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, राधा रानी एक तत्व भी है, वो लादिनी शक्ति है, वह सारे सृष्टि के भक्ति का स्रोत है। भी हम में जो हमारे हृदय में जो भक्ति आती है वो राधा रानी की कृपा से आती है। जो यशोदा के हृदय में भक्ति है वह भी जो लादिनी शक्ति है, जो राधा रानी का मूर्तिमान रूप है, उसके द्वारा आती है। सबकी भक्ति राधा रानी से आती है। इसीलिए नमो राधिकायै, मैं उन राधिका को प्रणाम करता हूँ, त्वदीय प्रियायै, जो आपको बहुत प्रिय है, और आप जिनको बड़े प्रिय है, और
हे प्रभु आप ये आपकी एक अप्रतिम लीला है पर ऐसे ही आपके अनंत लीला है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। मैं उन आपको प्रणाम करता हूँ तुभ्यम जो इस तरह के अनंत लीलाएं करते हैं। और इस प्रकार की लीलाओं में अगर हम स्मरण करने लगते हैं तो फिर हम अनंत काल तक स्मरण कर सकते हैं, अनंत काल तक हम दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वही याचना करते हैं कि प्रभु आपने अनंत लीलाएं की है, मैं उन लीलाओं के स्मरण में ही हमेशा रहना चाहता हूँ। एक और बार हम गाएंगे लास्ट में, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। दामोदर भगवान की जय। किसी कोई सवाल है? Can you summarize in Hindi? How do we, what we take from this? You know, whatever you said in nutshells, a few sentences. What a devotee has to follow so that he can grow in spiritual. तो अभी हम अगर भक्ति में वृद्धि प्रगति करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं प्रगति व्यवहारिक रूप से? साधारणतः इसको ABCD कहते हैं हम। ABCD क्या है? एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डीटी वर्शिप। तो क्या है कि भक्ति ये एक हृदय का भाव है। पर कुछ लोग कहते हैं कि जब मेरे हृदय में भाव आएगा तो मैं जप करूंगा, मैं मंदिर में आऊंगा, मैं भगवान की शरण लूंगा। तो समस्या है ये है कि भाव का अभाव है कि ये भाव का अभाव है, भाव होता नहीं है। और यहाँ पे भक्ति में ऐसे बताया गया कि भाव को, हाँ भाव का न केवल हम इंतजार करना है पर भाव के लिए हमें प्रयास भी करना है। और जैसे बताया कि उद्दीपन होते हैं कि बाहरी ऐसी चीजें जिनके द्वारा हम वो भाव को जागृत कर सकते हैं। तो वह सब जो भाव है वो हम जागृत कर सकते हैं चार चीजों से, भक्तों का संग से। अगर हम नियमित रूप से सत्संग के कार्यक्रम में, यहाँ पे मैं विश्व भर में ट्रैवल करता हूँ तो ऐसी ज्यादा जगह नहीं है जहाँ पे भक्तों का संग हो रहा है। अगर आपके आस पास थोड़ा दूर जाना भी पड़े तो भी पास में अगर भक्तों का संग है तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग के द्वारा ही हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। हम जिन लोगों के संग में रहेंगे उनके अनुसार हमारी अच्छाई हो जाएगी। तो इसलिए भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम संग नहीं कर सकते, संग तो एक हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार या दो हफ्तों में एक बार कुछ होगा, बाकी समय हम ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, बुक्स। और आजकल ग्रंथों को के आधार पर बहुत से प्रवचन भी हैं ऑनलाइन, वो भी सुन सकते हैं। तो इससे क्या है, हम जहाँ हैं वहाँ पर भी सुन सकते हैं और एक बौद्धिक स्तर पर हमको समझ आता है। कई लोगों को ऐसे होता है कि भक्ति मतलब यह केवल पारंपरिक या सांस्कृतिक चीज लगती है। वह पारंपरिक सांस्कृतिक पर केवल उतना ही नहीं है, ये दिव्य है। और ये कैसे दिव्य है यदि हमको ये समझना है तो इसके लिए हमें तत्व ज्ञान जरूरी है। अभी तत्व ज्ञान के साथ साथ फिर क्या है कि जो जप है, इस कलयुग में भगवान के नाम का जप बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जितना हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं उतना हम भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो ये जप एक ऐसी विधि है जो हम कहीं भी कर सकते हैं। द होली नेम इज द मोस्ट पोर्टेबल फॉर्म ऑफ कृष्णा, कि कोई पोर्टेबल बैग होता है आसानी से मैं कैरी कर लेकर ले जाता हूँ। पर भगवान का हरि नाम है ये कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। हम शायद ग्रंथ जहाँ ग्रंथ नहीं ले सकते वहाँ पर भी हम हरि नाम ले जा सकते हैं और हम हमारे जिह्वा से भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। और आखिरी जो डी है डीटी वर्शिप, कि हम हमारे घर को मंदिर बना सकते हैं और वहाँ पे भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से क्या है कि एक है मंदिर, हम मंदिर में बीच बीच में जाते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, पर मंदिर में जाना अच्छा है, हमारे घर में मंदिर बनाना और अच्छा है। और ये दोनों करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हृदय में मंदिर बन जाएगा, न केवल हृदय में मंदिर बन जाएगा, हमारा हृदय मंदिर बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रगति होती है। तो जब हृदय मंदिर बन जाता है तो भगवान का वास वहाँ पे न केवल होता है पर भगवान का वास का हमें महसूस होता है। और फिर उस समय हम इस तरह से महान प्रगतिशील जो भक्त है वो जो दिव्य आनंद के अनुभव कर रहे हैं, दिव्य शांति के अनुभव भी कर रहे हैं, वह सब हम भी अनुभव कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल जय प्रभु की जय